टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट ऑन द टॉपिक ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और इस टॉपिक में हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है ये बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू है। कैसे जानेंगे? वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से। बट वी शुड टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट, और हमें इनकी केयर भी करनी चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की, एज दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि हमारा कैसा रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखें, फॉरेस्ट प्रोडक्ट आपको टिम्बर, पल्प, वुड आपको मिलता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, और वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल से बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे मिलते हैं, लेदर हो गया, फर हो गया, तो ये सब आपके किससे मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल से। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? फॉसिल्स कैन बी डिफाइंड एज रिमेन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। जो आपका एनिमल हो या प्लांट हो, वो जब डिके हो जाते हैं काफ़ी समय के बाद, उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। द फ्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियन ऑफ ईयर एगो इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और हमें फ्यूल ऑब्टेन होता है जब डिके हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाता है प्लांट और एनिमल, काफ़ी समय लगता है इनको ख़त्म होने में, इसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। कोल एंड पेट्रोल आर द फॉसिल फ्यूल। आपका कोल और पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल है। तो आगे हम जानेंगे कोल के बारे में। कोल इज़ अ सॉलिड फ्यूल ऑब्टेंड बाय डिगिंग द अर्थ। आपका जो कोल है वो ये सॉलिड फ्यूल है जो आपको अर्थ को डिग करने के बाद मिलता है। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, और आपको कुकिंग, हीटिंग, रनिंग व्हीकल्स एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, कोल को। डू यू नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। ऑल इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस्ड होता है कोल के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम थर्मल पावर। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फ्यूल ऑब्टेंड बाय डिगिंग ऑयल वेल्स इन लैंड एंड सी। और पेट्रोलियम एक लिक्विड फ्यूल है, मिलता किसकी वजह से, जब हम डिग करते हैं ऑयल वेल्स को, कहाँ पे, लैंड में और या फिर सी में। पेट्रोलियम डीजल्स आर सम इम्पोर्ट सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। और हमें पेट्रोल या डीजल जो है, हमें प्रोडक्ट मिलता है रिफाइनिंग करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग पेट्रोलियम। तो आगे हम जानेंगे नेचुरल गैस के बारे में। गैसेस लाइक CNG एंड LPG आर पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स। और जो आपका CNG LPG है, हम इसको क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स बोलेंगे। क्यों? वी गेट दीज गैसेस वाइल कलेक्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी। और ये सारे आपके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हमें मिलते कहाँ से, सी से। तो आगे हम जानेंगे वी कैन क्लासीफाई नेचुरल रिसोर्स इन टू ग्रुप्स। और हमने नेचुरल रिसोर्स को दो ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो हम जानेंगे सबसे पहला रिन्यूएबल रिसोर्स, दे कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। और रिन्यूएबल रिसोर्स ये आपका बार बार प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि सन, एयर, वाटर, ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम इसको बोलते हैं दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, ये बार बार नहीं हो सकता है, और इसको बनने में काफ़ी लंबे समय लग का इंतज़ार करना पड़ता है। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म टू फॉर्म। कोल एंड पेट्रोलियम दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और हम इन सबको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। तो आइए हम जानें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। वी शुड कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्स, हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड फाइंड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचुरल रिसोर्स बच सके। फर्स्ट वी शुड प्रिफर यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्स सच एज लाइटिंग, एयर, वाटर, विंड। और हमें नेचुरल रिसोर्स पे रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे विंड, वाटर और सनलाइट। सेकेंड वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट बाई ग्रोइंग मोर मोर प्लांट, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लगाना चाहिए, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स लगाने चाहिए। लास्ट पॉइंट वी आर कंज्यूमिंग आवर नेचुरल रिसोर्स इन मच फास्टर रेट दे आर बीइंग क्रिएटेड इन नेचर।
और बहुत तेज़ी से हमें अपने नेचुरल रिसोर्स के अंदर क्या करना चाहिए, प्लांट्स को लगाना चाहिए। सो वी नीड शुड यूज देम वाइजली एंड जुडिशियली, और कुछ ऐसे भी नियम बनाने चाहिए जिससे कि थोड़ा रेस्ट्रिक्स हो सके, अदरवाइज वी वुड बी नो और लेस नेचुरल रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। और फिर अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है वो नहीं मिल पाएगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।